कोरोना वायरस का बढ़ता प्रादुर्भाव देखते हुए प्रशासन द्वारा अलग अलग शहरों में विविध प्रकार के लॉकडाउन की घोषणाबाजी की जा चुकी है, जिस कारण आम नागरिक तो त्रस्त हैं ही, पर इसका प्रभाव व्यापारियों पर काफी बड़े पैमाने पर होता दिखाई दे रहा है। सभी शहरों में व्यापार व्यवस्था पूर्णतः ठप हो चुकी है, जिस कारण छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों की भी कमर टूटती दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों में व्यापारियों को इस दुविधा से बचाने के लिए कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है, ताकि लॉकडाउन टाला जा सके। आइए देखते हैं क्या कहना है इन समाज सेवकों का इस विषय में। नांदेड़ से मिर्जा गफ्फर बेग की रिपोर्ट। पिछले 10 दिन भी जिला प्रशासन ने कारोबार बंद कराए थे, कलेक्टर साहब का सम्मान करते हुए नांदेड़ के पूरे कारोबारियों ने 100% बंद रखकर कोऑपरेट किया। उन्होंने वादा किया था 4 का ख़त्म हो रहा है, 5 से कारोबार चालू होगा, लेकिन 5 को एक ही दिन हुआ और अगले दिन से फिर उन्होंने बंद का जो स्टेट लेवल का ऑर्डर बताए हैं। हमें ये पता है कि जिलाधिकारी को नोडल ऑफिसर के तौर पे, ज़िले का अधिकारी के तौर पे पेंडेमिक एक्ट के अंदर ये इख्तियार है कि वो अपने ज़िले के अंदर ढील दे सकते हैं अपने क्राइटेरिया के आधार पर। और नांदेड़ का पहले का जो ये लॉकडाउन रहा है उसका रेफरेंस देकर कलेक्टर साहब नांदेड़ के कारोबारियों को ढील दे सकते हैं और उन्होंने सीएम को भी इस बात के लिए मना सकते हैं कि नांदेड़ में कारोबारियों को अपने को कुछ घंटों की मोहलत देना लाजमी है। हम तो कहते हैं ज़िला प्रशासन से कि हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम कायदे को मानने वाले लोग हैं, आप कानूनन पूरे कारोबारियों को कुछ घंटों की, 5-6 घंटों की मोहलत दीजिए, क्योंकि अभी जो सीज़न है ये साल भर का सीज़न 1 महीने में होता है, ये आने वाले जो कुछ दिन हैं वो एक एक दिन में पूरे साल का सीज़न होता है। तो आप इन सब कारोबारियों की, व्यापारियों की तड़प को समझिए और छूट दे दीजिए। 10 तारीख के पहले तक भी अगर आपका नोटिफिकेशन निकल जाता है, कारोबारियों को कुछ मोहलत मिल जाती है, तो हमको कोई आंदोलन करके कानून तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर 10 तारीख की शाम तक भी अगर आदेश नहीं निकलता है तो 11 तारीख को एक बड़ा मोर्चा आईटीआई से निकलेगा और कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचेगा। 11 को मोर्चा निकलेगा और इंशाल्लाह 12 तारीख को नांदेड़ का पूरा मार्केट खोलेंगे, पूरी दुकानें खोलेंगे, हर कारोबारी को खोलेंगे और जो भी मामला दर्ज होगा उसके लिए हम लोग सामने, हम लोगों के नाम पे कार्रवाई हो, हम लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हो, लेकिन हम नांदेड़ के कारोबारियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे, उनके शटर, उनके कारोबार शुरू करा कर रहेंगे।